बेटा अभी मेरे साथ इसकी फ्रेंडशिप हो गई है ना बेटा बेटा कान भी चाट इसका कान ना टेढ़ा हो गया है इसका मतलब इसको डर लग रहा है शायद है ना बाबू हाँ कहाँ जा रहे हैं इंजेक्शन लगेगा पैर लगी वहाँ पे गाड़ी पे कवर लग चुका है बस जाके अनवील करते हैं कि नानू ने कौन सी कार ली है 1 2 3 GO पापा जी कैसा लग रहा है प्राउड ओनर ऑफ हाँ इनके खून में ही है ये गर्म खून है इनका माताओं का हमारी जो ऊपर ना चढ़ती है ना हमें स्क्रैच करती है हाय गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ योर फेवरेट चैनल मिथोलॉजी और आप आज सोच रहे होंगे हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं तो आज हम ना सुबह सुबह संडे को अपने सारे काफी काम खत्म कर दिए हैं कल मैंने सारे कपड़े सर्दियों के ना काफी अंदर कर दिए थे जो ड्राई क्लीन में जाने वो ड्राई क्लीन के लिए भेजने हैं नहीं तो मशीनें लगा लगा के सारे धो धुआ के नेफ्थलीन बॉल डाल के एक थैले में करके दीवान में डाल दूंगी काफी डाल चुकी हूँ काफी और डालूंगी फिलहाल यहाँ पे क्लोई है मेरे साथ और इसको उतरना है आजा 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 चल ऐसे देख ले क्या देखना तुझे देख लो कैसे टिकी हुई है ना यार ये देखना पैर देखना स्किप हुई है भी देखना कैसे खड़ी है लोडा देखना राहुल कितने मजे से खड़ी है तो घर की बालकनी पे खड़ी है हाँ? वो भी नीचे वाली है हाँ। नीचे वाली बालकनी पे खड़ी है इसके ना वाइट वाइट कुछ आ रहा है ना हाँ। अब लेकिन ये कोट के अंदर नहीं है राहुल ऊपर ऊपर ही है ये मेरा डैंड्रफ तो नहीं गिर गया इसके हैं पर फर तो अच्छा है इसका अभी तो कहते हैं ये बाल हटेंगे पूरे फिर नए आते हैं हां अब तो शेडिंग होएगी पर इनिशियल कोट तो बहुत ही प्यारा है इसका है ना सही में भी ठीक हो रही हैं है ना गुड्डा अभी मेरे साथ इसकी फ्रेंडशिप हो गई है ना बेटा बेटा कान भी चाट का तो गाइज हम लोग ना अमेजोन पे लाइव आने वाले हैं या आ चुके होंगे इस ब्लॉग से पहले तो प्लीज आप लोग मेरे अमेजोन लाइव पे जाया करिए मैं वहाँ पे आपके लिए ना स्पेशली प्रोडक्ट्स लेकर आती हूँ जो मैं आप लोगों को मतलब जो मैं खुद यूज कर रही हूँ उसी के बारे में उस पर बात कर रही हूँ कई लोग ना हमें ब्लॉग्स में ना पूछते रहते हैं कि आप क्या खिलाते हो इस चीज के लिए क्या करें डैंड्रफ के लिए क्या करें टिक्स के लिए क्या करें तो उन लाइव सेशन में ना सबके सब इन्फॉर्मेशन होती है तो जरूर आप लोग वो ब्लॉग्स लाइव देखा करो अमेजोन पे मैं इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाल दिया करूंगी जब आने वाली होंगी ब्लॉग्स में बता दिया करूंगी कम्युनिटी पे भी यूट्यूब पे शेयर कर दिया करूंगी ठीक है तो गाइज आज संडे का दिन है शिवाय थोड़ी देर के लिए दादी हाउस गया है वहाँ पे ना वो खेल लेता है थोड़ा खा पी भी लेता है यहाँ पे ना वो बहुत तकड़े करता है मुझे दुखी भी बहुत करता है तो आज का दिन कुछ ऐसे जाएगा संडे का अभी हम लोग अभी क्या टाइम हो रहा होगा 11-12 बज रहे होंगे सफाइयाँ चल रही है अंदर इसलिए हम बाहर आ गए थे कि सारी जो लेडीज है वो अच्छे से अपना सफाई कर ले नहीं तो राहुल ना पैसे ला के बैठते और वो सफाइयाँ ना कर नहीं पाती तो बेसिकली अब ये होने वाला है कि हम अब थोड़ी देर में सफाइयाँ हो जाएंगी घर जाएंगे रेडी होंगे आज हम लोग जाएंगे हुंडई के शोरूम क्योंकि जो नाना जी हैं वो आज अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी उठा रहे हैं उनकी यस गाइस गाड़ी आने वाली है तो अगर हमने अभी तक नहीं बताया आपको तो इस ब्लॉग में आगे आपको दिख जाएगा कि उन्होंने कौन सी गाड़ी ली है कौन सा कलर लिया है क्या लिया है कई दिनों पहले ना एक कमेंट आया था कि ऐसे लगता है कि मन्नी के मम्मी पापा ना राहुल के मम्मी पापा से ज्यादा रिच है तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है मेरे पापा अभी भी काम कर रहे हैं और बिजनेस है उनका राहुल के पापा रिटायर हो चुके हैं तो वो पेंशन आती है उनको तो जो बंदा रेगुलर काम कर रहा हो उसके लाइफस्टाइल में और जो बंदा थोड़ा अब रिटायर हो चुका हो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाता है शौक थोड़ा सा शौक में भी फर्क आ जाता है एक बिजनेसमैन और एक सर्विस इंडस्ट्री के बंदे में तो बस उतना फर्क है अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कोई ज्यादा रिच है या कोई कम रिच है सब अपने घर में खुश है तो देखते हैं वो कौन सी गाड़ी उठाते हैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में हम लोग दिखा देंगे बाकी आज इसकी भी वैक्सीनेशन है तो एक बार घर में सफाई हो जाए इसको वैक्सीनेट करा के शिवाय को फिर उठा के हम लोग जाएंगे नानी हाउस उन्हें पिक करके सीधा जाएंगे हुंडई के शोरूम तो अब इस ब्लॉग को यहीं से शुरुआत करते हैं पूरा दिन मैं आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या करें तो गाइस हमारे ना एरिया में पानी अब सुबह नहीं आ रहा यहाँ पे पूरी पाइपें डल रही हैं तो हमारे एरिया में 10 से 11 आ रहा है पानी तो राहुल की मम्मी घर आ नहीं रहा तो दो दिन से तो मैंने जब अपना मेरे को फिगर आउट हो गया कि 10 बजे आ रहा है तो मैंने उन्हें भी बोल दिया कल उन्होंने भी भर दिया फिलहाल यहाँ पे ये सीन है हमने क्योंकि घर में होना सारा दिन तो ये चिकन और चावल तैयार कर दिए तुमने चिकन की क्वांटिटी बढ़ाई है इस बार 300 ग्राम कर दिया पहले कितनी होती थी 250 मैं आधा किलो कर दूंगा तीन डॉग्स के लिए आधा किलो 1.5 किलो होना चाहिए आइडियली राहुल तो रोज भी तो खा रहे हैं ना लोगों के डॉग अल्टरनेट डे खाते हैं ये रोज खाते हैं हाँ तो 300 ग्राम ठीक है गर्मी नहीं होती साक्षी के लिए चीखे निकल रही है तो डरती है
वो देखो बैठ आ गई तेरे पीछे बैठ गई। आगे जाके इतनी बड़ी हो जाएगी तेरे ऊपर चढ़ेगी। हंस रही है। तो गाइस यहाँ पे ना नॉर्मल प्लेन चावल भी तैयार कर दिए, ठीक है, और ये भी कर दिए। तो आके मेरे को कोई काम नहीं खास करना पड़ेगा आज। मैं रात को इनका सारा खाना बना के सोऊंगी कल का, क्योंकि कल मुझे जाना है ऑफिस। तो हालत देखो तो गाइस बस यही है। अब इनका फटाफट से खाना वाना खाली करती हूँ, साक्षी अपना काम कर जाएगी, गैस वैस साफ हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जाते हैं इसको इंजेक्शन लगवाने। तो गाइस फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ। आज थोड़ा सा मैंने हेयर बैंड वगैरह लगाया, लिपस्टिक विपस्टिक और थोड़ा सा मेकअप। मम्मी पापा की गाड़ी लेने का टाइम आ गया तो बस हम वहीं जा रहे हैं ह्यूंडई। उससे पहले ना मैंने अमेजोन से ना कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे लेडी ऑली बब्जी जोई और क्लोई के लिए, उसको ओपन करती हूँ और यही प्रोडक्ट्स का कल मैं रिव्यू देने वाली हूँ। मतलब जब आप ये ब्लॉग देख रहे होगे ऑलरेडी मेरा लाइव सेशन अमेजोन पे हो चुका होगा सुबह 9 बजे, यानी 26 फेब को सुबह 9 बजे हो चुका होगा। तो यही प्रोडक्ट्स मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ इसको आपके सामने ही अनबॉक्स करूँ। तो गाइज मैंने इन प्रोडक्ट्स को ये तो इसकी इनवॉइस है। कोई आया जरा देखते कौन आया गेट पे, आई थिंक शिवाय होगा, मैं देख के आती हूँ फिर आपको प्रोडक्ट्स का बताती हूँ। तो गाइस वही मैं आपको दिखा रही थी, दरवाजे पे मम्मी आई हुई थी यहाँ पे चाय बना रही है। राहुल को जब भी चाय चाहिए होती है तो मेरे को परेशान करता है मम्मी को, आपकी चाय में ऐसी क्या बात है जो मेरी चाय में नहीं है। बस इसको नहीं चाय तो आप ज्यादा ठीक है, ये बंदे बदलते हैं मम्मी, दो बार तुमसे पीलेगा दो बार मेरे से पीलेगा, बनाऊंगी ना। हाँ पर चलो अब एक बार माँ के हाथ की पिलेगा क्या पता इसको तृप्ति हो जाए मोटे को क्यों। तो गाइस कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट्स, ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं अमेजोन से, और कई दिनों से बहुत लोग बोल रहे थे कि बब्जी और लेडी वाली की आईज में हर वक्त पानी आता है। तो मैं कल जो टॉपिक करने वाली हूँ अमेजोन पे वो इसी के ऊपर करने वाली हूँ कि क्या क्या हम लोग अपने पेट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए ताकि उनकी आईज ईयर्स और पॉज जो है हेल्दी रहे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद ही चूज किए अमेजोन से, खुद ही ऑर्डर किए, खुद ही अपने क्रेडिट कार्ड से इसकी पेमेंट किया और मैं यूज करने वाली हूँ अपने पेट्स पे। और इसी का रिव्यू मैं आपको ना कल देने वाली हूँ। ये देखो सारी क्रीमें व्रीमें हैं जो पॉज के ऊपर लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ना मेरे को ना एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस हुई है कि ना जब बच्चे होते हैं ना पपीज तो उनके जो पॉज होते हैं ना वो लेदर की तरह काले और सुंदर अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ये चलना शुरू करते हैं भागना शुरू करते हैं पार्कों में इधर उधर तो बड़े बड़े होते होते ना इनके लेदर से ना रेक्सिन जैसे पैर हो जाते हैं, फटने लग जाते हैं। तो ये मैंने ना बाम मंगाया है, क्या बात करती है, पापा पॉसम है ये। और बाकी मैं डिटेल लाइव सेशन में दूंगी, बट मैंने आपको बता दिया कि ऐसे मेरे पास मैं जो लाइव सेशन करती हूँ वो प्रोडक्ट्स कोई मेरे को स्पॉन्सरशिप पे नहीं आते, मैं खुद ही अपने आप खरीदती हूँ वो प्रोडक्ट्स और उसके बारे में बात करती हूँ। तो मेरी चॉइस के प्रोडक्ट है बेसिकली, तो ये था मेरा मेन पर्पस आपको बताने का। तो अब हम बस थोड़ी देर में राहुल चाय पी ले, चल लो यार राहुल जल्दी फिर है, पापा वेट कर रहे हैं नई गाड़ी लेने। तो आगे बने रहो व्लॉग में, नई गाड़ी का उद्घाटन आपको भी आज दिखेगा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए ह्यूंडई के शोरूम और नाना नानी जे यहाँ पे पहले से आए हुए हैं, बस हम लोग अब जाने वाले हैं और ये निकाल रहा है शायद वैगनर वाले हैं। तो अब हम अपनी गाड़ी की पार्किंग ढूंढ रहे हैं और पैरेलली वहाँ पे गाड़ी पे कवर लग चुका है, बस जाके अनवील करते हैं कि नानू ने कौन सी कार ली है। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए, गाड़ी पे कवर कहाँ लगा, मैं तो कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही कवर वाली, तुम्हें दिख रही है? हेलो बोरे पापा जो अंदर कहाँ जा रहे हो, राहुल बोरी वहाँ पे। हाँ जी राहुल गाड़ी कैसी लग रही है तुम्हें? मजेदार बढ़िया। तो गाइस ये है नानू की गाड़ी और सिनेमैटिक शॉट सेट आती हूँ मैं, थोड़े सिनेमैटिक लेती हूँ। 1 2 3 गो। यहाँ मनी शुरू हो गई है सारी प्रक्रियाएं समझने के लिए। तो गाइस फाइनली गाड़ी है अलकजार और हम इसको लेके जा रहे हैं घर, 7 सीटर आ रहे हैं। अगर आप 2 सीट नहीं यूज करना चाहते तो आप उसको डिक्की बना सकते हो और पूरी फैमिली गाड़ी है। तो बस अब ट्रिप ही ट्रिप होने वाला है, ट्रिप ही ट्रिप। तो गाइस फाइनली ले लिए हमने अपनी अलकजार की डिलीवरी और अलॉयज देखो कितने अमेजिंग वाले हैं और साइड रेल ये सब लगा लगाया गाइस, ये रेन प्रोटेक्टर भी है और बेस्ट फीचर इसका ये है कि इसके अंदर सनरूफ भी है, देख लो। तो पीछे जो बैठेगा उसके लिए भी वहां पे कप होल्डर्स वगैरह एवरीथिंग है, वहां से टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह सब कुछ हो जाता है और ओवरऑल गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लेग स्पेस है पीछे, ठीक है, 7 सीटर गाड़ी है और बहुत बढ़िया गाड़ी उठाई है पापा ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी। मम्मी आज तो मम्मी पर से नजर नहीं हट रही है ना। पापा जी कैसा लग रहा है, प्राउड ओनर ऑफ अलकजार। तो
बस अब फटाफट से इसको घर लेके चलते हैं। घर ले जाने के बाद इसको लेके जाएंगे हम मंदिर। तो राहुल और मैं ना दो मिनट फटाफट से आए हैं कि एक बार टेस्ट ड्राइव राहुल भी लेंगे इसकी ना। आ जाओगे, घुस जाओगे यहाँ से? तो राहुल लेंगे टेस्ट ड्राइव और उसके बाद गाड़ी लगा के हम जाएंगे वापसी घर। तो राहुल का भी फीडबैक होना जरूरी है ना। तो गाइस फाइनली नानी के यहाँ से गाड़ी लेकर जब हम शोरूम से आ गए थे वापसी, उनके घर गाड़ी उतारी है, नई ड्राइव करके लाई थी। अब हम जा रहे हैं क्लोई को लेकर वैक्सीनेशन पे। इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली अब ये बाहर आना शुरू कर देगी। तो गाइस वही मैं आपको बता रही थी कि इसका अब एक 9-in-1 का थर्ड शॉट रह गया है। तो जो लोग भी हमसे पपीज लेकर गए हैं, लाइगर, गब्बर, बाहुबली, बलाल और कौन कौन थे, बगीरा और क्लोई, तो हमारी है बारबी, तो जितने भी बच्चे हमारे पास से गए हैं, तो आई होप आप हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं। और ये रिमाइंडर कॉल आपके लिए भी है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इनके तीसरे बूस्टर शॉट तक नहीं पहुंचे हो तो पहुंच जाओ। तीसरा बूस्टर शॉट अब 9-in-1 का लगवाने का टाइम आ गया है। तो 3 बूस्टर शॉट्स हो जाएंगे 9-in-1 के। कोरोना वैक्सीन भी हो जाएगी, हो चुकी है, उसका बूस्टर भी हो चुका है। और आई थिंक अब जो रह जाएगा वो आपका एंटी रेबीज और कैनल कॉफ रह जाएगा, उसके बाद आपकी पूरी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने आपको अपने ब्लॉग्स के माध्यम से सारा बताया कि एक पपी को जब आप घर लाते हो तो उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो बस अब हम इसको लेकर जा रहे हैं एनिमल माई फ्रेंड, वहां जाके इसको इंजेक्शन लगवाते हैं और बस फिर ये काफी फ्री हो जाएगी बाहर घूमने के लिए, एटलीस्ट टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो पाएगी गाइस इसकी। क्लोई तो क्या देख रही है बाबू, क्लोई तो क्या देख रही है बेटा, ईयर कैसे हो गया आपका, हाँ क्या देख रहे हो? क्लोई बड़ा अच्छी प्रैक्टिस हो गई गाड़ी में बैठ के घूमने की, है ना क्लोडो? बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है हीरोइन हमारी गाड़ी के अंदर, है ना क्लोडी? इसका कान ना टेढ़ा हो गया, इसका मतलब इसको डर लग रहा है शायद, है ना, है ना बाबू? हाँ कहाँ जा रहे हैं, इंजेक्शन लगेगा। तो गाइज अपना मेरी और क्लोई की ना फ्रेंडशिप हो गई है ना क्लोडो, है ना क्लोडो? अभी मेरे साथ घूमी घूमी कर लेती है और गुस्सा भी नहीं करती मुझे जरा सा भी, है ना, है ना क्लोडी? बस किसी का दो करती, गुड गर्ल। शिवाय आप क्या कर रहे हो? शिवो तो आज शिवाय भी गाइस हमारे साथ आया है एनिमल माय फ्रेंड जाने के लिए। क्या हुआ है क्लोडी को, क्या हुआ है? देखना कैसे चिपक के बैठ गई मेरे साथ राहुल, ये देखो काठी खा ली राहुल इसने मेरे, पता कितनी गलत जगह काठी खाई है इसने मेरे को, टीथ मारती है ये, पूरा फ्लॉप करती है अपनी टीथ का, है लड्डू बुखारी। हां जी, हैरान परेशान लड़की, क्या देख रहे हो आप? गाइस थोड़ा आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको इसकी आईज में थोड़ा सा फर्क लग रहा है, पहले से बेटर हो रही है? देखो काला कालापन दिखना थोड़ा शुरू तो हो गया है ना, देख लो, नहीं तो पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिखता था कालापन, तो थोड़ा सा तो फर्क आया। अरे वो क्लोई को नहीं लेना, शिवाय आप डोर बंद करो बेटा, क्लोई को नहीं लेना, क्लोई को लो, रुको वेट करो, क्लोई को तो निकालेंगे ना, मुंह में नहीं डालो बेटा कार्ड, शिवी मुंह में नहीं। तो आज ना बड़ा भाई भी आया छोटी बहन की ना वैक्सीनेशन लगवाने, है ना छोटो भैया आया साथ में, कार्ड मुंह में, चलो चलो पापा के साथ चलो, चलो जाओ पापा साथ चलो, मुंह में नहीं डालो कार्ड, डॉक्टर साहब को दे दो, चलो। तो आज ना पूरी फैमिली आई है क्लोई की ना वैक्सीनेशन कराने, चलो चलो। तो गाइस क्लोई का वेट मेजर कर लिया, कितना आ रहा है? 10 किलो। 10 किलो हो गया, चलो ठीक है, बस अब डॉक्टर साहब को बुलाते हैं इंजेक्शन। क्लोई ओ क्लोडो, तो इसको ऑन एन एवरेज हर हफ्ते 1 से 1.5-2 किलो बढ़ रहा है वेट, है ना? हेलो 10 किलो के हो गए, कितने दिन हो गए? 3 महीने का बच्चा 10 किलो का तो होएगा, इतना तो सही है। 19 तारीख को 3 महीने हो गए ना, हाँ। और आज कौन सी तारीख है? आज हो गई 25, एक हफ्ता ऊपर हो गया ना, मतलब 96 डेज में 10 किलो का, ठीक है। और कितना होएगा यार, ठीक है ना, बस अब ये नजर मत लगाओ मेरे को ना, हाँ बस यू शुड बी 12 बाय नाउ, 12 बाय नाउ, सो पापा नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम फॉर द अदर वैक्सीन आई विल बी 12, ठीक है? चलो पापा को ना ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी मुश्किल हो रही है, तो क्या हो गया आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, मेरे को लग रहा है मेरे को ना रुकना चाहिए था उनके साथ। हाँ तो आप गाड़ी ले जाओ, अब क्या, अब तो हुआ है वो, अब तो मैंने तो उनको आइडिया दिया, मैं खुली सड़क है ना वहाँ पे ना गाइस, कोई डॉग बहुत जोर से चिल्ला रहा है, तो ये बिल्कुल ना सचेत हो गए कि कौन चिल्ला रहा है ना, देखो देख रही है बाहर, मच्छर तो यहाँ से उठो बच्चे के लिए, चलो उठो शिवाय आ जाओ। कौन है, इसका क्या नाम है, कितना बड़ा है? एक और बच्चा है। हेलो
वो भी हमारी 4 मंथ्स की हो जाएगी। मेल है? कितना क्यूट है। क्लोई फ्रेंड मिला आपको? फ्रेंड देखा आपने? और फ्रेंड देखा आपने? अपनी गोद में पड़े पड़े लगवा लो। क्लोई रेडी है? 2 इंजेक्शन लगने वाला तेरे को। हाँ हाँ देखो कैसे टंग बाहर निकाल रही है ना। क्लोडो को इंजेक्शन लगने वाला है ना, है ना क्लोडो? चलो लगा दो फटाफट लगा दो इसको। ये उस बच्चे का, उसके बाद भी लेके आता हूँ। ओके ओके अभी लेके आता हूँ। हाँ कैनल कॉफ का फर्स्ट लगेगा। 2-2 इंजेक्शन लगे हैं आपको। कौन से लगेगा? कौन से इंजेक्शन लगेगा इसको? आज क्लोई को फाइनली लगने वाला है 9-in-1 का बूस्टर शॉट। और हम कंफ्यूज थे कि एंटी रेबीज लगेगा कोरोना, तो आज 14 तारीख एंटी रेबीज लगेगा इसको। और जिसे को नया फ्रेंड बनाने की ना कोशिश कर रही है, शिट्जू के साथ इंटरेक्ट आज लगी है इसको 9-in-1। और शिट्जू की तो ग्रोथ ऐसी ही रहती है, थोड़े टाइम बाद बड़ी हो जाएगी। ये इसका फ्रेंड जो है वो इतना सा रह जाएगा, है ना? देखो हाँ जी क्लोई फ्रेंड, क्लोई को फ्रेंड मिल रहा है। हाँ नो नो नो, अभी नहीं, अभी दोनों बच्चे छोटे हैं, अभी पूरी वैक्सीनेशन भी नहीं दोनों की। मैं जमीन पर भी नहीं छोड़ ना, हम भी नहीं कहता हूँ वॉक करानी चाहिए इनको, लेकिन नहीं अभी नहीं, वैक्सीनेशन के बाद कराइए, अभी तो बिल्कुल नहीं। ये कौन सी है? तो फाइनली हमारी गुड़िया को लगने वाला है 9-in-1 का शॉट। चलो जी ओके क्लोई गुड गर्ल। उई 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 देख रही है पापा को कि क्या किया मेरे साथ आपने, लग गई गुड गर्ल क्लोई डोई। कुछ नहीं होता इसको, स्ट्रांग बच्चा आ रहा है ना। तू क्यों छुप रहा है? तेरे को थोड़ी लगा रही है, छुप गया पीछे मेरे इबू। हाँ आपको तो अपने टाइम में लग चुकी है ना काकू, अब दूसरा लगा रहे हैं एंटी रेबीज। ठीक है गुड वेरी गुड। ओ इसमें आया मजे इसको, है ना? इस वाली में थोड़ी सी दर्द हो गई है गुड़िया को। होय 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 होय, क्यों घुर्रा रहे हो आप? क्यों घुर्रा रहे हो? एक छोटे से इंजेक्शन को लगा। हाय हाय हाय, हाँ इनके खून में ही है, ये गर्म खून है इनका, माताओं का हमारी। बब्जी की बेटी है, दिखाऊंगी नहीं मैं? मैं बब्जी की बेटी हूँ, चलो। तो गाइस जब आए थे तो हमने सोचा क्लोई के थोड़े से नेल्स भी कटवा ले, क्योंकि अपना ये हमारे ऊपर ना चढ़ती है ना, हमें स्क्रैच करती है। बब्जी की बेटी ने घुर्राया बेटे, अभी से यही थे बस, आगे जाके क्या करोगे तुम? आगे जाके कैसे काटोगे आप इसके नाखून? ये तो अभी से इतनी वो हो रही है, हैं अभी से ये तेवर है क्लोडो अभी से। तो राहुल ने ना बिल्कुल इसको ना वैसे कर लिया कि अभी कुछ नहीं कर पाएगी, है 3 महीने के बाद ऐसे करेगी भी ना, करेगी भी नहीं ना प्रॉपर तरीके से ट्रेन हो। अभी से ये तेवर है क्यों भाई? तुमने दुनिया को बिना बोले बताने की तुम बब्जी की लड़की हो, तुम्हारी हरकतों से पता चल जाएगा कि तुम बब्जी की लड़की हो। हो गए कट गए इसके नाखून, चलो अब घर चलते हैं। ठीक है चलो। तो गाइस फाइनली इसकी वैक्सीन लगवा दी एंटी रेबीज और 9-in-1 का बूस्टर शॉट और नाखून भी कटवा दिए जिसमें आपने देखा है कैसे घुर्राई। बट अब काफी कुछ हो गया, तो धीरे धीरे हम इसको पार्क में तो नहीं अभी फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा घर के बाहर घर के वेड़े में इधर उधर ले जाना स्टार्ट कर देंगे ताकि इसकी सुसु बॉडी ट्रेनिंग स्टार्ट हो। क्या हुआ, क्यों कर रही है? पर मैं उसने कहा कि तू जो बाहर लेके जाएगी तो मैं तो लग ही रहा है वो। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो शिवाय को भी गुस्सा आ रहा है, देखते हैं इसको क्या हुआ है। गाइस अभी फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, ठीक है? और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आप हमें लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए जैसे कि आप हमेशा देते आए। तो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय 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 कर दो, ऐसे कर दो बाय।